17 तारीख को बड़ा सुंदर बरसाना में झूलन उत्सव है। श्री राधे गोविंद के लिए सुंदर वन बनाया गया है, उस वन में झूला डलेगा, सब पद गा करके, क्योंकि ठाकुर जी को पद सुनना बड़ा पसंद है, रसिकों के पद, तो वो गायन सुनाया जाएगा। तो वो जो छोटी सी है तो मूर्ति, लेकिन वो मूर्ति नहीं है, उनकी नेत्रों में, उनकी आंखों में इतनी करुणा, इतना भाव कि एक बार देखो तो लगे अब बोले, अब कुछ कहने वाले, अब कुछ कहने वाले। और जैसे आप अपने बालक को अपने से दूर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते अपने से दूर, वैसे ही आपको उनसे इतना प्रेम हो जाएगा कि आप उनके बगैर जब रहेंगे तो आपको हर क्षण उनकी याद आएगी। आप कहीं रहे दुनिया में, आप नरक में भी रहेंगे तो उस नरक में भी आपको याद आएगी, इतना प्रेम हो जाता है अपने घर के ठाकुर जी से। पर वो प्रेम करना है, हमें केवल पूजा नहीं करनी है, पूजा में चंद घंटे लगते हैं पर प्रेम करने में पूरा जीवन लग जाता है। भगवान को प्रेम से पाना है। तो जिसके घर ठाकुर जी हैं उन सब को तो अच्छा ही है, आप सबके घर में प्रभु, लेकिन रोज उनको सुबह शाम दोपहर, अब देखिए होता क्या, हम लोग कह देते जी समय नहीं, देखो समय तो हम हर चीज का निकालते हैं ना, घर में बच्चा होता तो भी हम समय तो निकालते हैं, तो भगवान के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए कि समय नहीं है, समय बहुत है, मन चाहिए बस। भोजन बनाया है तो उसको पहले ठाकुर जी को धराइए, तुलसी पत्र धराइए, उनको भोग लगा के फिर ग्रहण करिए। हम क्या करते हैं, जहाँ मन करता खा लिया, जो मन किया खा लिया, ना उसमें कोई शुद्धता देखी ना पवित्रता देखी। ये मैं बात उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनको भक्ति में आगे बढ़ना है, जिनको ये कि नहीं हमें करनी नहीं, तो वो तो भैया जैसे मन चाहे वैसे करो, हम तो यात्री हैं, कल अपने घर जाएंगे, मानो ना मानो खुशी आपकी। लेकिन जिनको सचमुच चाह है कि नहीं उनको ये जीवन धन्य करना है, जैसा मैंने कहा ये मौका एक बार मिला है, इसको नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसी गवाएंगे नहीं, तो उनको अगर बढ़ना है भक्ति में तो ये सब करना अनिवार्य है, करना पड़ेगा। कुछ भी खाते उसको पहले भगवान को समर्पित करिए।